वाले घेंटू हम दर्द रहे और नहीं हम तो दुकान के बैठने वाली है। अच्छा, क्या करते हैं आप? सब्जी काम। सब्जी काम, तो आपका गांव तो बड़ा इंटरनेशनली फेमस हो रखा है इस समय। हाँ, फेमस है। पूछ लियो, खूब बात कर लियो, खूब बात कर लियो, या मैं कुछ ना कहूँगा। कुछ ना कहेंगे? अरे कुछ तो हुआ है आपके गाँव। मैं ना बोलूँगा, बैठो तुम आराम से, मुंडी निकल देगा। अरे कुछ तो हुआ है आपके। नहीं बेटे, मैं ऐसा हाथ जोड़ के बात करना चाहूँ। अच्छा, क्या चर्चा चल रही गाँव आपकी? चर्चा मेरी कोई ना, तो सचिन और सीमा के बारे में क्या बात हो रही है? लुगाई भाई चल रही है। हाँ। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, दम दबे जुबान जो है। पबजी में इन्हों को भी दिलाओ। अरे नहीं, बुजुर्ग आदमी यहाँ पबजी खेल रहे हैं। बेटे मेरा तो नंबर एक का काम है सब्जी का। मैं घेटुओं में दर्द है। हाँ। मेरी दो दुकान है बाजार में। हाँ। बच्चे काम कर रहे हैं, मुझे कोई किसी बात से मेरे ये ना ना, वो तो आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं। हाँ। हम बस ये पूछ रहे थे कि जैसे अभी क्या है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से, बहुत गाड़ियां देख रहे होंगे, इतनी भीड़ तो आपको आसपास फिलहाल नहीं दिखी होगी ना कभी। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें? चर्चा ये है कि भैया अच्छा रह जावे, नहीं अच्छा है रह जाए। हाँ, हम तो यही चाह रहे हैं कि बीज बुवा रहे हो। लौंडे की बहू है? कैसे लौंडे की बहू है? इनके की नहीं समझे, नहीं आप ऐसे थोड़ा बताइए। इनके लड़के की बहू है तो क्या है वो? सचिन। हाँ। अच्छा, तो सचिन को आप जानते हैं क्या पहले से? अरे भैया, मैं तो अब साल भर से मेरे घेंटुओं में दर्द रहे। हाँ। और मैं तो शाम को सवेरे जावे अंधेरे ही 3 बजे से मंडी हो गई हमारी, और अंधेरे में आ गया। मुझे कोई मतलब ना, 2 पैसे कमाने और अपने बहुत घर लेनी आन के दूध पी लिया, एक आध रोटी मिलो मिलो रूकी सूखी मिल गई, और इससे 1.5 से दूध पिया, 1 रोटी खा गया। हाँ। और 1.5 से दूध। तो सब खैरियत है, घर परिवार में सब ठीक है? हाँ, बहुत। काम धाम कैसा चल रहा है? काम बढ़िया है। बढ़िया है। टमाटर इतने महंगे काहे करवाती है? पीछे से महंगे आ रहे हैं। है? पीछे से महंगे आ रहे हैं। इतना महंगा 160 रुपए किलो पहुंच गया? ना 160 तो था, 120 हमने आज। 120 भी बहुत महंगा है भैया। हम क्या करें जब पीछे से 2200 रुपए का रेट आई है? कितना किलो? अजातुर मंडी से आती है ना? अजातुर मंडी से आती है ना? एक कैरेट में कितना किलो होता है? 20-22 किलो आ गए। 20-22 किलो। कितना बच रहा है अभी टमाटर? बचत बचत का है कि ये 2 किलो हो गई दागी, वही अपने बच्चों की रोटी हो जान से अंतर। और क्या है, घर की दुकान है तो किराए की है ना, आजकल किराए पे ले तो 10-15 हजार को मिले। बच्चे क्या करते हैं? सब्जी का ही काम करें तो हमारा फेमस काम सब्जी का। हमारा भी चाचा आपके जो है बता रहे हैं कि यहाँ भीड़ बहुत, मीडिया आ रही है, बहुत भीड़ लग रही है। तो चाचा बताया कि गांव बहुत फेमस हो रखा है आपका ना, है ना? मैं ना बोली, मैं तो पापा ही बोलूंगी। पापा ही बोलेंगे? अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? और आपका क्या नाम है चाचा? नन्ने का हाजी। अच्छा, तो आप लोग के जो है गांव में ये जब हुआ था, आप लोग को पता कब चला? हमें 1.5 महीने बाद पता। 1.5 महीने बाद? हाँ। अच्छा, 1.5 महीने बाद पता पड़ा, जब पकड़ी अकड़े गए जब मालूम हुआ। पहले नहीं पता चला? कोई पता ना, मारे भाई पर ईद गवाई पर। हमें क्या पता बेटे, हम तो यहाँ से निकले या जाए यहाँ तक मस्जिद तक चले गए, मस्जिद से यहाँ आ गए। 5 वक्त की नमाजी है। आप लोग को तब नहीं पता चला, फिर जब ये पुलिस वाला मामला हुआ? जब मालूम हुआ पुलिस, जब मीडिया ने पकड़े, पुलिस ने और मीडिया ने। अच्छा, तो फिर जब इससे पहले तो उधर किराए पे रहते थे कहीं पे, फिर पुलिस वाला केस हुआ, तो गांव में बातचीत से पता चला, मीडिया में देख के पता चला? मीडिया में देख के पड़ा, हमारे पड़ोसिया पुलिस से पता पड़ा, जब पकड़ दिया नुकर सचिन पकड़ा का। हाँ। जब मालूम हुआ जब लोगों को क्या लगा कि आप, पहले तो आप लोग कंफर्म किए होंगे कि अपने गांव का आदमी कि नहीं? हाँ हाँ, हमारे गांव का यही। अच्छा, जब मालूम पड़ा जो पुलिस है। अभी गाँव में क्या चर्चा है? अब कोई भी चर्चा ना, अब तो मीडिया आ रही है, मीडिया बात कर रही है, सब नेट पे आ रहा। और कुछ नई चीज पता चली हो? नहीं, और कुछ ना। तो गांव के लोग क्या सोचते हैं कि उनको भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हम लोग कह रहे हैं भारत में रहे, कोई कह पाकिस्तान जाओ। अच्छा,
आप क्या सोचते हैं? हम तो पूछ रहे, सब तरह की पब्लिक है, एक तरह की पब्लिक ना, ये सब तरह की पब्लिक, जो तुम करोगे वो होगा, मतलब अपना अपना सोचना है लोगों का। तो सचिन को आप लोग पहले जानते थे? हाँ, अच्छा पहले से जाना, नहीं पला नहीं रहा, नहीं रहा है, नहीं का बालक है, नहीं कहीं बालक नहीं रहा उसका घर में, हमारा घर तो बहुत दूर है। अच्छा, अबे हमने कोई मतलब ही ना है, हमारे ये पैरों में दर्द रहा है। अरे चाचा, चार चौथी बार पता चल गया आपके पैरों में दर्द। नहीं, अरे ऐसा कुछ वो नहीं, तो हम तो बस ऐसे राय मशवरा की चर्चा की, उधर बड़ी भीड़ लगी हुई थी तो हमने कहा कि इधर चल लेते हैं। हम पार्टी, अरे पार्टी वाले हम है ही नहीं चाचा, आप परेशान मत हो, आप पर क्या कह रहे हैं? टांगों के दर्द से परेशान है इनके, कोई ऐसी दवा निकलवाओ सरकार से जो इनकी टांगों में आराम। ऊंट के घोड़े बच्चे खुश हो गए जो है। नहीं तो अब तो वो जैसे लोग यहाँ कह रहे हैं, जो उधर के कुछ लोग, कि अब वो इंडिया आ गई है और यहाँ सचिन के साथ आए, तो वो जो है कह रहे हैं कि भाई अब उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है तो उनको रहने देना चाहिए। तो क्या सोच रहे हैं और लोग? और लोग ये चाह रहे हैं, भारत में रहना चाहे भारत में रहे, पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान रहे, पर सुख शांति से रह, कोई लड़ाई झगड़े दंगे प्रसाद वाली बात ना हो, कहीं भी रह शांति से रह, ये कहना चाह रहे हैं भारत की जनता। और जो ऐसी कोई चर्चा है कि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, तो इस पर कोई बातचीत? कुछ भी हो हमारा क्या मतलब, हमें तो रोटी खानी है, चटनी से खानी है और रूगी सूगी खा के ठंडा पानी पिए और सो जाने। ठीक बात है। तो इतनी भीड़, अचानक से चाचा से बात कर रहे थे, हमारे पीछे इतनी भीड़ लग गई। क्या नाम भाई साहब आपका? जी अजीत मीणा। अजीत, अचानक से सब लोग कहाँ से आ गए? सब जी सब कस्बे के लोग हैं, कोई बाहर का कोई नहीं है। आपका गांव तो बड़ा इस समय चर्चा में। जी हाँ, चर्चा वाली बात भी है, चर्चा में होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ, शायद अब तक ऐसा नहीं हुआ, तो चर्चा वाली बात भी है, चर्चा में हो रहा अच्छी बात है, दूर दूर तक हमारे लोग पहचान नहीं है, कहाँ कहीं रघुपुरा भी है, रघुपुरा पहचान भी नहीं थी कि रघुपुरा कहाँ बसा हुआ। एक बार एयरपोर्ट के लिए आया था कि रघुपुरा के पास में एयरपोर्ट बनेगा जेवर में, तो अब दोबारा नाम जेवर का आता, रघुपुरा का नाम फिर भी नहीं आता। अच्छा, वो खाली जेवर एयरपोर्ट ही बोलते हैं हर एक कोई, लेकिन आज रघुपुरा का नाम है। सीमा और सचिन ने जो है फेमस कर दिया रघुपुरा। जी हाँ, क्या चर्चा है गांव में? चर्चा बढ़िया, खुशी का माहौल है, अच्छी बात है, पाकिस्तान से लोग भाभी भी आई हैं, तो अच्छी लोग मतलब फुल उसमें है, फॉर्म में है इस टाइम, इससे बढ़िया और खुशी क्या होगी। हर आदमी देख रहे हैं गाँव में, इसी के बारे में बात कर रहा है जी, जब चर्चा इसी चीज की बनी हुई है तो इसी बारे में बात करेगा। और किस बारे में बात करेगा बता? अच्छा, चर्चा यही बनी हुई है पाकिस्तान की। अच्छा, तो आप क्या नाम चाचा? मौदूद अली। आपकी, आप भी इसी गांव के? जी रघुपुरे का हूं। रघुपुरा बड़ा गांव है, कस्बा है जी, कस्बा है। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला? ये टीवी के माध्यम से पता लगा, न्यूज़पेपर से ही, उसके उससे ही पता लगा था। गांव में क्या माहौल है? गांव में ठीक ठाक माहौल है, सब लोग खुश हैं, अच्छा माहौल है। अच्छा, आपस में भाईचारा भी है, सभी लोगों में भाईचारा है। अच्छा, और वैसे भी आगे भी भाईचारे से रहेंगे लोग, और पहले भी भाईचारे से रहते हैं यहाँ। हाँ, ये तो पहले भी ऐसा रहा है कि यहाँ सब मिलजुल के लोग रहते हैं जी। नहीं तो आप लोगों को जब पता चला कि सीमा पाकिस्तान से आई है, क्या उनका नाम पूरा है? गुलाम हैदर ऐसे कुछ उनका है? सीमा हैदर। हाँ, सीमा हैदर। हैदर असल में लोगों को जब पता लगा अखबार के माध्यम से, अखबार से पता लगा? जी जी। अच्छा, अखबार के माध्यम से पता लगा, उसके बाद तो फिर चारों तरफ खबर फैल गई, टीवी के माध्यम से लोग न्यूज के से पता लगने लगा। तो गांव में पहले से जैसे कोई चर्चा नहीं थी? गांव में किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, फिर जब पता लगा तो लोगों ने क्या रिएक्शन आया, क्या लोगों ने रिएक्शन, क्या लोग तुम्हारे सामने सब देख रहे हैं, सब खुश हैं, ऐसा रिएक्शन में क्या है? कोई भी ऐसी बात ना, सब लोग खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब इनको हिंदुस्तान में रहने देना चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जासूसी भी हो सकता है, मतलब अलग अलग जिन लोगों से बात की, आपको क्या लगता है? जी देखो, ये काम तो गवर्नमेंट का है। हाँ। भाई ये भी हमारे देश की एक सुरक्षा का मामला है। हाँ।
और गवर्नमेंट को जो जांच भी करनी चाहिए, कोई मामला ऐसा ना हो कि हमारे साथ खिलवाड़ हो जा, भाई दो देशों का मामला है। और रही बात ये, अगर ऐसा कुछ भी ना तो फिर यहाँ की जो कानून का प्रोसीजर है नागरिकता वाला वो लेना चाहिए, दे देना चाहिए नागरिकता। अगर नागरिकता की बात है तो होनी चाहिए, पर सबसे पहले यह है कि गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, कोई ऐसा कोई ऐसा ना हो कि आगे चल को जासूसी वगैरह कोई काम निकले जा और जिसमें कि हमारे कस्बे का नाम जितना अच्छा है कि बदनामी हो जा। भाई ये भी एक विषय है, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताओ भाई क्या। यदि पाकिस्तान के जासूस ऐसे हैं कि वो वकील के पास अपना पासपोर्ट ये दिखा रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट ये पाकिस्तान से रिलेटेड हूँ, तो ऐसे जासूसन से भी हमें कोई खतरा ना, फिर ऐसे जासूस से कोई खतरा ना, फिर इंडिया को जो जासूस पकड़े जा रहे हैं तो हाँ ये जासूस कोई खतरा ना भैया, फिर चल भैया आ जा। ये बात बड़े मार्केट भाई कह गए हैं। अरे ठीक है, तो और जो है जो गांव में बुजुर्ग हैं या फिर आप लोग के आस पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों से आपकी चर्चा हुई तो उनका क्या मानना है इस पे? उसमें कोई भी मानना ना, सब लोग खुश हैं उसमें क्या चर्चा। भाई ये तो एक दोनों का मोहब्बत की बात है भाई, प्यार मोहब्बत की बात है, इसमें लोग क्या कह सकें। तुम लोग इतनी भीड़ काहे लगाए हो, टॉफी बट रही है, है? अभी जब अभी बोलेंगे इधर आओ कैमरे बात करें सब भागने लग जाओगे, सारे हो गए ना अब तो, अब जगह उसको जगह मिल गई, अभी तक कैमरा नहीं आ पा रहा था। आगे आ जाइए रजत, क्या नाम है आपका? हो गया क्या नाम है भाई? मोहम्मद आरिफ नाम है। अच्छा क्या करते हैं आरिफा? बिजली फिटिंग का काम करते हैं। अच्छा इसी गांव के आप भी? हाँ जी इसी गांव। अच्छा तो बड़ी मीडिया आ रही है आपके गांव में? हाँ जी हमारे गांव में आ रही है, हमारे महल्ले में आ रही है, हमारे हमारे दरवाजे पे आके गाड़ी यहाँ खड़ी होती है। हाँ बड़ा रास्ता हमारा ही दरवाजे का है, ये जो मेन रास्ता है। क्या अच्छा जितने भी कहाँ रहते हैं आप? ये सामने वाला घर है। अच्छा ये जो अभी बुजुर्ग मिले थे उनके बगल वाला? अच्छा तो आप लोगों को भी ऐसे टीवी अखबार के माध्यम से? जी जी जी। अच्छा हमें तो पड़ोस में जब भी पता नहीं चला कि यहाँ कोई अभी आ चुका है नहीं आ चुका है, इस तरह की पता ही नहीं चला हमें। ये तो टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता लगा कि हमें तो भाई इस तरह से यहाँ पर कोई लड़की भी पाकिस्तान की आ चुकी। आप तो पाकिस्तान से एकदम पूरा यहाँ के रंग में रंग गई हैं, जो पूजा वूजा कर रही हैं, तुलसी माता पे उनकी फोटो आई, जल वल चढ़ा रही हैं, आपने देखी वो तस्वीर? हाँ देखा, लेकिन हमें कोई इस चीज़ पर कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कोई परेशानी नहीं है, स्वेच्छा से कोई परेशानी नहीं है उससे। अगर हम करना चाहें या कोई और करना चाहे तो कुछ में दिक्कत थोड़ी है, अपनी खुशी से स्वेच्छा से होना चाहिए, जबरिया नहीं, जबरिया नहीं, अपनी मर्जी से होना चाहिए, अपनी मर्जी से बिल्कुल। ये तो हमारा देश का जो संविधान है आपको ये इजाज़त देता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद है, लेकिन उसके कोई दबाव नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखो इस चीज़ का कोई दबाव नहीं होना चाहिए और ना ही किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं होता, और बाकी में हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं कुछ भी। हमारे इंडिया में बहुत अच्छी बात है और मोम किस्म के आदमी हमारे इंडिया के हैं, समझो जैसे गऊ, जैसे गऊ का थपकी मार दिया दूध काट लिया, ऐसा समझो हमारे यहाँ के इंडिया के लोग ऐसे हैं। जरा जब कोई आंसू बहा दे तो झाड़ दीजिए फटाफट एकदम, पर यार ये तो बहुत शायद बहुत ज़रूरत बंदे हैं, बहुत वैसा आदमी है तो इसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, और इसकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें भी अपने ध्यान में रखते हुए अपने इस्तेमाल में करना चाहिए। भावनाओं का सम्मान करता है देश? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भावनाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। बस इस तरह से नहीं है कि भाई कोई डर रहा है कोई ऐसा कुछ। हाँ भाई क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ पबजी खेलते हो? इंस्टाग्राम चला रहे हैं आजकल, इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं अभी लोग, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन ऐसा पब्लिक सिटी में उसमें बात करने में थोड़ा डरते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी वकार चौहान। वकार चौहान जी, तो आप भी पबजी खेलते हैं क्या? जी बिल्कुल पबजी खेलते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि और पाकिस्तान से आ जाए मेरे लिए, मैं भी दामाद बन जाऊँगा जी पाकिस्तान का, मैं भी दामाद बन जाऊँगा जी पाकिस्तान का, अच्छा और हमें भी खुशी मिलेगी बहुत। और रही बात उसकी, देखो उसने जो भी कराया वो गलत करा है, और अपने अगर एक भारतीय की नज़र से देखें तो वो गलत करा है, और बाकी अगर हम प्यार की नज़र से देखें तो बहुत अच्छा करा है उसने। क्या गलत किया? देखो भारत की उसने एक सीमा को लांघा है, जो एक भारत की सीमा है उसको लांघा है उसने, नेपाल के द्वारा उसने रास्ता अपनाया है जो कि गलत है। और वैसी बात करी जाए तो देखो प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, उसने बहुत अच्छा करा है, लेकिन अगर वो वीज़ा लेके आती और भारत से सरकार से गुहार लगाती तो शायद हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते। वीज़ा तो मिल ही नहीं रहा है ना एक दूसरे। और रही बात उसकी, अभी वीज़ा उसको वैसे मिलेगा भी नहीं, अभी नागरिकता की बात चल रही है, नागरिकता भी ऐसे मिलेगी नहीं। और मेरी तो दुली ख्वाहिश ये है कि तमन्ना है कि उसको नागरिकता जल्दी से मिल जाए ताकि उसके बच्चे पढ़ सकें, अगर नहीं पढ़ सके तो और न्यूज़ के जरिए से अभी पता चला है कि पाकिस्तान का जो हैदर है उसने भी वो भी प्रयत्न कर रहा है ताकि मेरे बच्चे वापस आ जाएँ, लेकिन
अगर ये सीमा की बात रही तो सीमा के बोल रही है कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे मार दिया जाएगा। और वहाँ की सरकार से भी बातें चल रही हैं, अभी ये हमारे कहने से बातें कोई हो नहीं जाती। तो पाकिस्तान को यही सोचना चाहिए कि अब जो इंडिया से इतना प्यार कर रही है, जिससे तो प्यार मिल रहा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और रही बात हैदर की, वो उसकी दो बच्चे और भी बता रही है सीमा, तो उसके बच्चों को उसको अपनाना चाहिए और यहाँ पर छोड़ देना चाहिए उसको। क्योंकि मेन बात बच्चों की परवरिश और पढ़ाई, परवरिश की बात है सारी, मेन बात परवरिश की है। और परवरिश की रही बात, ये देखो अब यहाँ पे कुछ भाई लोगों का प्यार भी होगा तो परवरिश तो बहुत अच्छे तरीके से होगी, जो कि वहाँ पे शायद ना हो पाती उसकी, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी। और पाकिस्तान के रहन सहन, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, आपको पता होगा कि आपने न्यूज़ों के जरिए सुनी होगी, पाकिस्तान में टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं। वो बात अलग है, टमाटर तो यार भारत में ही बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है टमाटर, वो बात अलग है। लेकिन बस कहने का मतलब ये, आर्थिक स्थिति जमीन आसमान का फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बिल्कुल 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 जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान, वो तो देखो वहाँ का दो रुपए यहाँ का एक रुपए बराबर है, वहाँ का दो रुपए यहाँ का एक रुपए बराबर है। तो वहाँ के हर आदमी की बात करी जाए तो आदमी भी भाई पाकिस्तान के आदमी क्या है, वो मानने की बात ही करते हैं। यहाँ पे देखो कितने प्यार से अमन चैन से रह रहे हैं, लोग मिल के रह रहे हैं वहाँ पे, आराम अमन चैन से रह रहे हैं, सबसे मेन बात तो ये है। क्या बात, क्या नाम भाई आपका? वकील नाम है जी हमारा, तो वकील नाम ना है, क्या बताया? वकील तो ठीक कह रहे हैं ये, हमें ना पता सही करा गलत करा हो गया। अच्छा, आप लोगों ने अच्छी बातचीत की, अच्छी से बताया। हाँ, क्या नाम भाई तुम्हारा? मुसाइद। मुसाइद मुसाइद, ये ठीक कह रहे थे भाई? हाँ जी, जो कह रहा वो सही कह रहा है। हाँ, जो अलग अलग हर कोई अपनी अपनी बता रहा है, वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, जो जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, जो जैसा कर रहा है करने दो। तो ये पूरी बातचीत यहाँ पे हमने लोगों से की, अचानक से हाँ क्या कह रहे हो आप, पबजी खेलोगे? पबजी खेला तुम्हारे लोग और कैमरे के नाम पे भागने लग गए, पबजी पबजी में तो गोली चल रही है। अच्छा ठीक है, तो ये रघुपुरा गांव के लोग हैं, हमने अलग अलग तबकों से बात की, चाचा से बात कर रहे थे तो अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, हमने कहा इनका भी पक्ष जान लिया जाए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव और कैमरे के पीछे मेरे साथी रजत है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।